देखिए, जिस प्रकार से हमारी सरकार इस प्रदेश के विभिन्न लोगों के विकास के लिए, उनके आय बढ़ाने के लिए काम कर रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुसार एक स्कीम लॉन्च हुई थी जिसका नाम है मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना। उसके लिए हम लोग बैठे थे, उप समिति बनी है, सिर्फ मैं ही उसमें एकमात्र उप समिति का अध्यक्ष कहिए या जो भी, उस नाते 1 जुलाई को भी हम बैठे थे और आज दोबारा बैठना हुआ। कैसे हमारे यहाँ की जो पात्र महिला है, मैं पात्रता भी बताऊंगा, उनको हम आत्मनिर्भर कर सकें। इसमें जो पात्र महिलाएं होंगी, एक तो इसका जो क्षेत्र होगा पूरा प्रदेश, यानी कि उत्तराखंड हमारा प्रदेश में जो महिलाएं यहाँ की मूल या स्थायी निवासी होंगी। दूसरा, एकल निराश्रित महिलाएं जिनकी आयु 21 वर्ष से लेकर 50 वर्ष के बीच में होगी। तीसरा, इसमें जो महिलाएं हैं वो विधवा, प्रत्यागता, तलाकशुदा, किन्नर, अपराध एवं एसिड हमले से पीड़ित एकल निराश्रित महिला, या जिन महिलाओं के बच्चे अविवाहित या अवयस्क होंगे वो हमारे इस स्कीम की पात्र होंगी। हम 1 वर्ष के लिए इस स्कीम को पहले आओ पहले पाओ के आधार पे शुरू करेंगे और अभी हम उसके लिए एक समिति भी हमने बनाई है जो इसकी स्क्रीनिंग करेगी। जिला स्तरीय समिति होगी जिसमें मुख्य विकास अधिकारी इसके अध्यक्ष होंगे, जिला कार्यक्रम अधिकारी इसके सदस्य सचिव होंगे, जिला समाज कल्याण अधिकारी सचिव होंगे और व्यवसाय या ट्रेड से संबंधित विभाग का कोई प्रतिनिधि होगा, जिले अधिकारी द्वारा नामित एक प्रतिनिधि इसमें होगा। और इसके बाद यहाँ से एप्लीकेशंस आने के बाद ये फिर राज्य स्तर पे जाएगी, जहाँ से स्क्रीनिंग होने के 15 दिन के बाद, 1 महीने के अंदर ये कलेक्ट करेंगे जब विज्ञप्ति जारी होगी, और 15 दिन के बाद वो बैठक होगी जिसमें ये जो हमारी इस प्रकार की जो महिलाएं हैं उनमें स्क्रीनिंग होने के बाद हम 2000 महिलाओं को, पूरे प्रदेश की 2000 महिलाओं को पहले आओ पहले पाओ की स्कीम के तहत उनको लाभान्वित देने का काम करेंगे। इसका जो मूल मकसद है वो महिलाओं को आत्मनिर्भर करना है। इसमें भी कुछ जो स्कीम में कौन कौन से हम लोग जो हमारी महिलाएं हैं किस व्यवसाय को कर सकती है, उसमें कृषि है, बागवानी है, पशुपालन है, कुक्कुट पालन है, भेड़ बकरी पालन है, मत्स्य पालन है, उद्यान है, फल खाद्य प्रसंस्करण है, ब्यूटी पार्लर है, बुटीक है, रिपेयरिंग है, अल्ट्रेशन है, ट्रेनिंग है, सौंदर्य प्रसाधन है, जनरल स्टोर है, जलपान है, टिफिन सर्विस है, कैंटीन है, कैटरिंग है, प्लम्बर है, इलेक्ट्रिशियन है, डाटा एंट्री कार्य है, कंप्यूटर हार्डवेयर रिपेयरिंग है, टेलीफोन कॉलिंग है, हिंदी कॉल सेंटर तथा इसी प्रकार के अन्य व्यवसाय इसमें होंगे। और इसमें स्कीम में यह है कि हम लोग जो लोन जो लेंगे उसमें अधिकतम जो सब्सिडी हम 1.5 लाख रुपए देंगे। स्कीम का माना 2 लाख की है तो हम 1.5 लाख रुपए देंगे, 5 लाख है तो अधिकतम 1.5 लाख की बात करिए तो 5 लाख मान लिया उन्होंने लोन लिया है, लेकिन हम उनको मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए का अनुदान देंगे। और उसमें यह भी है कि जो जब बैंक में वो अपना जो 50% का पैसा वो जो जमा 25% का पैसा 75 हम दे रहे 25 का उनका जब वो जमा करा देंगे तो पहले 3 महीने में 50% उनको देंगे यानी 75,000 रुपया, फिर अगले 3 महीने में फिर उनको हम 30% देंगे यानी कि 45,000 रुपया, 15 से 45, और शेष 30,000 रुपये जो हमारी एक टीम होगी वो उसका निरीक्षण करेगी कि भी सही में हमारी वो बहनें या महिलाएं काम कर रही हैं क्या, संतोषजनक है क्या, उसके बाद फिर 30,000 रुपये का उनको बकाया राशि सरकार के द्वारा दी जाएगी। यानी कुल मिला के हमारी वो मातृशक्ति जो महिलाएं, जिनके लिए हम हमेशा कहते हैं कि इस उत्तराखंड को बनाने में महिलाओं का, इस राज्य को बनाने में उत्तराखंड की महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है, वो गरीब महिलाएं जिस
कि आय 72,000 से मैक्सिमम 72,000 रुपए होगी। तो ये सारे बातों को देख के बहुत जल्द इसको अब हम लोग जो है फाइनल स्टेज पे ले आए हैं, और इसे कैबिनेट में लाने के बाद फिर माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से स्कीम को लॉन्च करेंगे, और उसके बाद ये स्कीम जो है हमारे प्रदेश की उन बहनों के लिए, उन महिलाओं के लिए प्रारंभ हो जाएगी।